हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे आईसीएससी क्लास टेन मैथ सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्साइज एटीन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ऑनवर्ड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव फिगर हमें गिवन है इन द गिवन फिगर पी ए टी इज अ टेंजेंट दिस लाइन पी ए टी इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल एट पॉइंट ए ऑन इट सर्कम फेरेंस पॉइंट ए पर यह टेंजेंट ड्रॉ की गई है एंड इज पैरल टू द कॉर्ड बी सी दिस टेंजेंट इज पैरेल टू द कॉर्ड बी सी इफ सी डी क्यू इज अन शो दैट एंगल बी ए पी बी ए पी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए डी क्यू ए डी क्यू इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल शो करना है अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि हाउ कैन वी डिसाइड विच थ्योरम वी हैव टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन तो देखिए इसमें टू ही मेन पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट है कि आपको क्या डिटरमाइन करना है क्या आपको फाइंड आउट करना है उस पर आपको कंसंट्रेट करना है और सेकंड कि क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा गिवन नहीं होगा सर्कल के क्वेश्चंस में तो आप ये देखिए जो गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों को कोरिलेट करना है अब जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें ये गिवन है पी ए टी इज पैरल टू बी सी मीन्स इसका इस क्वेश्चन सोल्यूशन में हमको यूज करना है तो अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे विदाउट सीइंग दिस रिलेशन तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे और अगर आपने इसको कंसंट्रेट कर दिया कभी भी टू लाइंस अगर पैरेलल गिवन है तो हम देखते हैं कि कोई ट्रांसवर्स लाइन उन्हें कट कर रही होगी एंड इन दिस सिचुएशन अल्टरनेट एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो जैसे ही क्वेश्चन में हमें गिवन था कि दीज टू लाइन्स आर पैरल इट मीन्स आल्टरनेट और कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल और अगर ये आपने पॉइंट इसमें कर लिया तो आप देखिए ये जो एंगल है इसका अल्टरनेट पी ए टी और बीसी पैरल है और ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो इसका अल्टरनेट ये वाला एंगल है ए बी सी मींस अगर इस एंगल को मैं एक्स लेट कर लू देन एंगल ए बी सी विल बी एक्स नाउ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी में आपने स्टडी किया था एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट जो ये एंगल होता है वो इसके इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट इंटीरियर होता है उसके इक्वल होता है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अब देखिए एंगल ए डी क्यू इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी देन इट इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट मीन्स अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा इट मीन्स दिस एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए डी क्यू जो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था अप्रूव वाले क्वेश्चन को आप ये सोचकर मत छोड़िएगा कि ये हमारे क्वेश्चन में ये हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे आपको आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे वो नुमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन अगर इसी को नुमेरिकल बनाना है तो बना सकते हैं द एंगल बी इज थर्टी डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी क्यू दिस विल बी द नोमरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड विद क्वेश्चन तो आपको कोई भी क्वेश्चन प्रूव वाला भी स्किप नहीं करना है उसको नुमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया जा सकता है नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंग डबल ऑफ एंगल ए डी क्यू एंगल ए ओ बी दिस इज द एंगल एओबी वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिट्वीन ए बी एंड एडी क्यू जो ये एक्स हमने फाइंड आउट किया है ओके okay? नाउ कंसेंट्रेट ऑन दिस एंगल दिस इज एक्स एंड दिस इज द एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड कॉर्ड दिस इज इक्वल टू किसी भी सर्कल में टैंजेंट और कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो जो ये एंगल होता है दिस इज इक्वल टू एंगल इन आल्टरनेट सेगमेंट इस कॉर्ड को हम सनक फेरेंस पे कहीं भी मीट करवाएं तो उसके इक्वल होता है एंगल नाव ए बी इज द कॉर्ड और ए बी कॉर्ड को देखिए कहां पर मीट करवाया गया है ए से ये लाइन ड्रॉ की गई है और B से ये वाली लाइन ड्रॉ की गई है इट मींस दिस एंगल इज एक्स देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी एक्स ये भी x होगा नाउ एंगल ए डी बी इज द एंगल मेड बाय कॉर्ड ए बी एट सरकमफेरेंस एंड एंगल ए ओ बी मेड बाय दिस कॉर्ड एट सेंटर एंड एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सब्टेंडेड एट रिमेनिंग सरकम अगर ये x है तो ये 2x होगा और x को आप रिप्लेस कर सकते हैं ए डी क्यू से फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है सेकेंड पार्ट भी हमने शो कर दिया इन थर्ड पार्ट एंगल ए डी क्यू ये जो एंगल x हमने फाइंड आउट किया है इज इक्वल टू एंगल ए डी बी ए डी बी तो ये तो हम ऑलरेडी सेकेंड पार्ट के लिए ही प्रूव कर चुके हैं तो ऑल द थ्री वी हैव डन चलिए इनको स्टेप बाई स्टेप शो करते हैं लेट एंगल इज़ इक्वल टू एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एक्स सिंस पी ए टी इज पैरल टू बी सी now angle adq is equal to angle abc since abcd is a cyclic quadrilateral and angle adq is exterior angle and angle abc is x then angle adq is also x from one and two, we can say angle BAP is equal to angle ADQ. Second part, angle BAP is equal to angle ADB.

Compare the relation 3 and this relation which we have proved in part 1. Angle BAP is equal to angle ADQ and angle BAP is also equal to angle ADB. It means angle ADQ is equal to angle ADB. Suppose this is relation 4, then by relation 3 and 4, we can write angle ADQ is equal to angle ADB is equal to x. next question question number 26 ab is a line segment and m is the midpoint three semicircles are drawn with am mb and ab as diameters on the same side of ab you draw karte hain figure suppose this is the line ab and this is the मिडिल पॉइंट एम देन थ्री सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ए एम एम बी एंड ए बी एस डायामीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल ए एम दिस लाइन ए एम को डायामीटर लेट करके पहला सर्कल ड्रॉ किया गया है दिस इज द फर्स्ट सर्कल सेकेंड सर्कल एम बी को डायामीटर लेट करके ड्रॉ किया गया है एंड थर्ड होल ए बी को डायामीटर लेट करके ड्रॉ किया गया है

AM is equal to half of AB and BM is also equal to half of AB means the diameter of first circle is AB by 2 and uh, radius of this circle O1A that will be half of diameter half of AM means वन अपॉन फोर ए बी एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर ओ टू बी रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल नाउ थर्ड सर्कल फॉर विच ए बी इज द डायमीटर उसका रेडियस कितना होगा आर एम दिस इज द रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल दैट इज ए बी अपॉन टू ये इसका रेडियस है एंड एम इज द मिड पॉइंट तो ये हमने तीनों सर्कल्स के रेडियस फाइंड आउट कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी और फोर्थ वाला सर्कल जो हमने स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया था विच टच इज ऑल द सर्कल्स इसका रेडियस स्मॉल आर हमें गिवन है अब देखिए अगर हम इसमें ओ को ओवन से मैच मीट करवा दें देन ओ ओवन विल बी पास थ्रू पी आप देखिए हमने सर्कल uh, की एक थ्योरम हमने स्टडी की थी अगर टू सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर को अगर हम मीट करवाएं तो वो लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होगी इट मीन्स अगर हम ओ वन और ओ को मीट करवाएंगे तो वो पी से पास होगा और यही थ्योरम एप्लीकेबल थी इफ सर्कल टच इज ईच अदर इंटरनली अगर इंटरनली भी टच कर रहे हैं तो उस केस में भी फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर और सेकेंड वाले सर्कल के सेंटर को अगर हम मीट करवा के प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होती थी तो ये वाला जो केस है ये एप्लीकेबल है एट द पॉइंट आर अगर हम फर्स्ट वाला जो ए बी को लेट करके सर्कल ड्रॉ किया गया है उसके सेंटर एम को सेकेंड सर्कल जो फोर्थ वाला सर्कल है उसके सेंटर से मीट करवाएंगे मींस ओ को एम से मीट करवाएंगे तो दिस विल लाइन पास थ्रू आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री ए बी इज द डायामीटर फॉर ग्रेटर सर्कल एंड आर एम इज रेडियस और अगर ये नाइन्टी डिग्री है तो हम इस ट्राइंगल ओवन एम में पाइथगोरस थियोरम अप्लाई कर सकते हैं ओ ओवन इज द हाइपोटेनियस ओ एम इज पर पेंडिकुलर एंड ओ वन एम इज बेस अब देखिये तीनों लेंथ हमें नोन है या नहीं वट इज देंथ ओ ओ वन ये OP इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल और इस सर्कल का रेडियस हमने फाइंड आउट किया है ओवन ए दैट इज ए बी अपॉन फोर मीन्स ओपी की जो लेंथ है दैट इज ए बी अपॉन फोर एंड ओ पी ओ वन पी इज ए बी अपॉन फोर एंड ओ क्या है ओपी इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल दैट इज आर मीन्स ओ ओ वन विर प्लस ए बी अपॉन फोर नाउ लुक एट ओ एम OM को कैसे फाइंड आउट किए करेंगे एम आर क्या है एम आर है बड़े वाले रेडियस बड़े वाले सर्कल का रेडियस दैट इज तो पूरा एम आर हमें नोन है अपॉन नाउ रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर मींस ओ एम विल बी ए बी अपॉन टू माइनस आर चलिए इनको नोट डाउन कर लेते हैं साथ में ही फर्स्ट ऑफ ऑल O1P is equal to AB upon 4, then 0 one will be AB upon 4 plus R. Now, MR is equal to AB upon 2 radius of greater circle. OR is small r, therefore, OM is equal to. MR minus O r means a b upon 2 minus R. Now, o 1 M this is the radius of this circle which is constructed a m as diameter means this is equal to A b upon 4. o 1 m is equal to A B upon 4. Now in triangle O 1 M

ओ एम इज ओ एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू माइनस आर एंड ओ वन एम इज ए बी अपॉन फोर आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मुले से इसको ओपन करेंगे और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मुले से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड ए माइनस बी होल स्क्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी नाउ दीज टू टर्म्स आर कैंसल्ड आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल हो गया रिमेनिंग टर्म्स को अब हम कलेक्ट करते हैं दिस इज ए बी अपॉन टू इन टू आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन किया ए बी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस ए बी इन टू आर ए बी भी कैंसल्ड आउट हो जाएगा ऑल टर्म्स में देन दिस विल बिकम आर बाई टू दिस इज ए बी अपॉन फोर एंड दिस विल आर डिवाइडिंग बाय ए बी आर की टर्म्स लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर रहे हैं आर बाय टू प्लस आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन फोर दिस इज थ्री आर बाय टू क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू सिक्स आर और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेंथ टी ए एंड टीबी आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी चलिए इसको ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते

बाइसेक्ट द एंगल टी ए बी टी ए बी तो चलिए एंगल टी ए बी ड्रॉ करते हैं वी हैव टू प्रूव एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल TAB. ए मीन्स हमें यह प्रूव करना है कि एंगल बी एपी इज इक्वल टू एंगल टीएपी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब देखिए एपी को मीट करवाया गया है अगर हम बीपी को भी मीट करवा दें नाउ लुक एट द फिगर देर आर टू ट्राइंगल्स ए पी टी एंड बी पी टी इन दोनों ट्राइंगल्स में पी टी इज कॉमन साइड टी ए इज इक्वल टू टी बी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस दोनों टेंजेंट जो है वो सेंटर से जो लाइन पास होती है उससे इक्वली इंक्लाइंड होते हैंक्वल टू दिस देस एस बो द ट्राइ एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइ एंगल मीन ऑल द कॉरोस्पोंडिंग साइड एंड कॉरस्पोंडिंग एंगल्स विल बी इक्वल इट मीन दिस एंगल इक्वल टू दिस अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा नाउ दिस

और अगर ये एक्स है इट मीन्स एपी इज द बाइ सेक्टर जो हमें प्रूव करना था तो चलिए जो हमने डिस्कस किया है उसको हम शो करते हैं इन ट्राइंगल एपीटी एंड ट्राइंगल बीपीटी पीटी इज कॉमन टी ए इज इक्वल टू टी बी two tangents drawn from a point to same circle are equal and angle ATP is equal to angle BTP because the two tangents drawn from a single point are equally inclined therefore triangle APT is congruent to triangle BPT by SAS and it implies angle TAP will be equal to angle TBP this is relation 1 now, angle TBP is equal to angle PAB since TB is tangent and BP is chord. This is relation 2. Now, by relation 1 and 2, TBP is equal to TAP, TBP is equal to PAB. It means TAP is equal to PAB. TAP is equal to PAB implies AP is the bisector of angle TAB. Question number 28 Two circles intersect in points P and Q. Suppose these are two circles intersect at point P and Q this is first point of intersection P and this is second point of intersection Q a secant passing through P intersect the circles in A and B this is a secant and this intersect first circle at point A and second circle at point B Tangents to the circles at A and B intersect at T. Now, we have to draw tangent at A and tangent at B, and these two tangents intersect at point T. This is the T. प्रूव दैट ए क्यू बी टी लाई ऑन सेम सर्कल ए क्यू बी टी ऑन सेम सर्कल आर साइक्लिक हमें प्रूव करना है और अगर हमें पॉइंट्स को कौन साइक्लिक प्रूव करना हो इट मीन्स अगर उन पॉइंट्स को मीट करके हम क्वाड्रिलेटरल बनाए देन दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक मीन्स इसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे तो अगर हमने इसके अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये पॉइंट लाइ ऑन सेम सर्कल हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं सपोज बी और ए क्वाड्रिलेटरल हम पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिसको हमें साइक्लिक प्रूव करना है पी और क्यू को अगर हम मीट करवाएं तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी सॉल्व किए थे सपोज दिस इज द एंगल एक्स अब आप इसको एक्स लेट करिए और केवल फर्स्ट वाले सर्कल को देखिए दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड ए पी इज द कॉर्ड ऑफ फर्स्ट सर्कल दिस इज इक्वल टू मीट बाय द एंगल कॉर्ड एपी इन आल्टरनेट सेगमेंट तो एपी को देखिए कहां मीट करवाया गया है पी से ये लाइन ड्रॉ है और ए से ये जा रही है मीन्स दिस एंगल विल बी एक्स

angle TAP is equal to X and angle TBP is equal to Y. This angle TAP is equal to angle PQA since TA is tangent and AP is chord and in the similar way this angle is equal to this. Now angle AQB is equal to angle PQA plus angle PQB, PQA is X and PQB is Y means angle AQB is equal to X plus Y. This is relation 1. Now, in triangle TAB, angle T plus angle A plus angle B is 180. Angle T we have to find angle A is X and angle B is Y. Then angle T is equal to 180 minus X plus Y, and by the relation 1, we can replace X plus Y by angle AQB. Means angle T plus angle AQB is equal to 180, implies angle T and angle Q are supplementary.

हमें प्रूव करना है कि उस पेंटागन में से अगर हम कोई भी फोर वर्टिसेस ले लें तो वो कॉनसाइक्लिक होंगे मींस वो सेम सर्कल पर लाए करेंगे तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं सपोज दिस इज अ रेगुलर पेंटागन ए बी सी ई मीन्स ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल अब हमें प्रूव करना है कि इसके अगर हम फोर वर्टिसक्लिक होंगे मीन्स सेम सर्कल पर लाए करेंगे कोई से भी फोर वर्टिस अगर हम ले लें तो सपोज हमने ए बी सी और ई e लिया है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये कौन साइक्लिक है मीन्स हमें प्रूव करना है कि ए बी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें प्रूव करना होगा कि इसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ दीज टू एंगल्स अगर हम ये दोनों एंगल्स की मेजरमेंट फाइंड आउट कर लें तो हम देख लेंगे कि सम 180 है इट मीन इट इज वन साइक्लिक तो अब देखिए इसके लिए कैसे हम फाइंड आउट करें तो देखिए वर्टेक्स एंगल फाइंड आउट करने के टू मैथड्स हैं आप जिसको चाहें उस मैथड से फाइंड आउट कर सकते हैं पहला मेथड है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स कोई अगर एन साइड का पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा दैट इज एन बाय टू इंटू वन एटी डिग्री तो इसमें एन की वैल्यू फाइव पुट करके हम इसके फाइव जो एंगल्स uh, हैं उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये रेगुलर है इट मीन सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो फाइव से डिवाइड करके हम एक एंगल एक वार्टेक्स एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो चलिए फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन will be 5 minus 2 into 180 540 degree and it is regular therefore for regular pentagon for regular pe pentagon 108 degree फोर्टी this बाई फाइव वन जीरो अगर आप एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला भूल जाए तब भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड मेथड भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं सपोज फॉर्मूला आपने नहीं लर्न किया आपको एग्जाम हॉल में बैठकर नहीं याद आ रहा है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं थोड़ा सा लेंदी uh, होगा आप इसके किसी भी वर्टेक्स को मीट करवा लीजिए हमने इसके फाइव जो इसकी साइड्स से हैं, उनको सेंटर पर मीट करवाया है होल एंगल इज 360 डिग्री और ये फाइव एंगल्स हैं इक्वल आर्क ने सबटेंड किए हैं मींस ऑल द फाइव एंगल्स विल बी इक्वल तो वन एंगल कितने डिग्री का होगा 360 डिवाइडेड बाय फाइव 72 डिग्री का और अब कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए सपोज ओ ए बी हम ले रहे हैं तो इन ओ ए बी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडिया ऑफ सेम सर्कल इट मींस इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा सपोज इट इज एक्स देन इट इज ऑल्सो एक्स देन इन ट्राइ ओ ए बी

अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं ध्यान आता है तो आप इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं अब फिगर कंफ्यूज ना करें इसलिए मैं अब अपने क्वेश्चन पर पहुंचती हूं अब इसके आगे के प्रोसेस के लिए हम दोबारा से फिगर ड्रॉ करते हैं क्लियरिटी के लिए जस्ट मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूं

रेगुलर पेंटागन है इट मींस एंगल ई सी विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ए अगर ये एंगल थ्री एंगल्स इज वन एटी तो इसके हेल्प तो से हम एंगल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और पूरा एंगल ई वन जीरो एट डिग्री का है उसमें से एंगल वाई सब्टेक्ट करके हम इस एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या इन दोनों का सम 180 आ रहा है इफ इट इज 180, एटी देन ए बी ई आर कौन साइक्लिक तो चलिए शो करते हैं इन ट्राइंगल डीई सी डीई इज इक्वल टू सी डी sides of regular pentagon therefore angle dec is equal to angle dce and sum of all the angles are 180 degree now put the values angle dec plus angle dce plus edc is 108 now we can replace angle dce by dec both are equal 72 degree means double of angle dec is 72 degree then angle dec 36 degree 72 divided by 2 this angle is 36 degree now angle cea 108 minus 36 this is 72 degree now, angle CEA plus angle ABC is equal to CEA is 72 degree and ABC is 108 degree, 180 degree. Therefore, angle CEA and angle ABC are supplementary. It means ABCE. are concyclic. Next question, question number thirty. Chord AB and CD of a circle, when extended, meet at point X. Two chords हमें दिए हैं circle की जिनको extend करने पर उन्होंने X पे एक दूसरे को intersect किया है. Suppose this is the suppose this is the first chord and this is the second chord. this is AB first chord, this is CD second chord. first chord को हमने extend किया है, second chord को extend किया है. और इन दोनों ने एक दूसरे को X पर cut किया है. हमें given है AB is 4 centimeter. BX is 6 cm and XD is 5 cm and with the help of all these we have to find the length CD. CD ki length hame find की karni हमें to humne करनी है तो हमने थ्योरम स्टडी की है सर्कल की टू कॉर्ड्स अगर एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली कट करती हैं तो उनके सेगमेंट्स की प्रोडक्ट इक्वल होती है सेगमेंट्स हम काउंट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सपोज ए बी और सी डी को हमने एक्सटेंड किया और एट द पॉइंट पी इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया फर्स्ट सेगमेंट ऑफ फर्स्ट कॉर्ड मल्टीप्लाई बाय पी बी सेकेंड सेगमेंट ऑफ फर्स्ट कॉर्ड इज इक्वल टू पी सी इन टू पी डी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों एंड पॉइंट्स को लेंगे फर्स्ट एंड पॉइंट देन सेकेंड एंड पॉइंट तो ये थ्योरम हम इसमें अप्लाई करके सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे X इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस एक्स ए मल्टीप्लाय बाई एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सी मल्टीप्लाय बाय एक्स डी सिंस ab एंड सी डी टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट एक्स नाउ पुट द गिवन वैल्यूज एक्स ए दट इज सिक्स प्लस फोर एक्स बी हमें गिवन है सिक्स एक्स सी एक्स सी विल बी फाइव प्लस सी डी एंड एक्स डी हमें गिवन है फाइव सी डी इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इन द गिवन फिगर टीपी फाइंड टीपी व टू फाइंड टीपी ए टी इज 16 सेंटीमीटर TP हमें फाइंड आउट करनी है AT हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड एबी एबी इज ट्वेल्व सेंटीमीटर तो देखिए थ्योरम हमने स्टडी किया है इफ कि टेंजेंट एंड अड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट टी देन टी बी इंटू टी ए विल बी इक्वल टू टी पी अगर किसी सर्कल की टेंजेंट और उसकी एक कॉर्ड एक्सटर्नली पॉइंट पी पर कट कर रही है देन पी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी तो ये थ्योरम अप्लाई करते हैं और गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज टी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमेशा हम सेगमेंट्स मेजर करेंगे तो आपको सेगमेंट्स लेने में मिस्टेक नहीं होगी यहां पर कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि सेगमेंट्स ए बी और बी टी ले लेते हैं तो ये बी टी आप ना लें उसका उसके लिए सबसे इजी मेथड है कि आप हमेशा सेगमेंट्स की लेंथ मेजर करिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट सेगमेंट इज टी एंड सेकेंड इज टी बी नाउ पी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड टी ए टी ए इज सिक्सटीन एंड टी बी इज सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व और ये थ्योरम हमने अप्लाई की है सिंस टेंजेंट पी टी एंड कॉर्ड ए बी इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट टी टीपी स्क्वायर विल बी सिक्सटीन इंटू फोर मीन्स टीपी इज एट सेंटीमीटर आंसर आज के लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसोल्व प्रॉब्लम के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर